सभी लोगों को, जिन लोगों ने बच्ची को प्यार और आशीर्वाद दिया। चौथा दिन है उसका, तो हम सभी बिहार के और देश के जितने लोगों ने बधाई दी है उन सबको जो है हम धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों को कल हमने ट्वीट के माध्यम से बता ही दिया कि बच्ची के दादा ने उसका नाम जो है माँ कात्यायनी के नाम पर रखा, क्योंकि नवरात्र के छठे दिन वो पैदा हुई और माँ कात्यायनी का उस दिन जो है पूजा आराधना जो है सब लोग करते हैं। और माँ कात्यायनी का जो भूमिका रही है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वध किया था। लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं, और एक आप देखिएगा क्रिश्चियन लोगों का लेंट एक त्यौहार होता है, उसके बाद ईस्टर आता है, तो लेंट का महीना जो है क्रिश्चियन लोगों का चल रहा है, और रोज़ा जो है हमारे मुसलमान भाइयों का चल रहा है, और नवरात्र जो है वो चल रहा था। तो आप समझिए कि अलग इतने पवित्र माह में और पवित्र दिन पैदा हुई तो उसके दादाजी ने माँ कात्यायनी का नाम जो है कात्यायनी जो है नाम रखा। तो इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। और आप सब लोग आज जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से बताया कि आज कैबिनेट की बैठक हुई और एक बड़ा निर्णय लिया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, और ये महागठबंधन की सरकार, ताकि गरीबों पर, किसानों पर जो बिजली की महंगाई की मार न पड़े, इसलिए बिहार सरकार महागठबंधन सरकार ने निर्णय दिया कि 13,000 करोड़ की सहायता हम लोग जो है कर रहे हैं। तो 13,000 समझिए एक बड़ा रकम होता है, क्योंकि बिजली जो है बढ़ा है, उसका रेट जो है बढ़ा है, और ये केंद्र सरकार जो है वो ही बताएगी क्यों बढ़ाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ। क्यों? लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।